नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की प्रेस वार्ता। कांग्रेस की 6 टिकटों के वितरण पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की टिकट ललित नागर को देना रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट देने के बराबर। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुषमा स्वराज व राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी करेंगे प्रचार। वहीं जजपा, आप और कांग्रेस पार्टी तथा भाजपा के जनाधार को देखकर बौखलाहट उनमें हो गई और बौखला करके करना चाहती थी महागठबंधन। वहीं नवीन जय हिंद द्वारा सीएम को जनरल डायर बताना शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं, बोले सुभाष बराला। जजपा और आपके गठबंधन पर भी बोले, जींद उपचुनाव में बुरी हार, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे प्रत्याशी। वहीं डेरा फैक्टर चुनाव से असर पड़ने पर बोले कि इस बार देश की जनता देश के हित को देखते हुए मतदान करेगी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशान सिंह द्वारा लगाए गए एक बड़े आरोप पर और नेताओं पर बोलते हुए कहा कि गाड़ी का टायर बदलने से नहीं और उसके पैसे भी नहीं थे भाजपा वालों के पास। इस बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इस प्रकार के बड़बोले बयान उन्होंने पुराने परिवार इनेलो को देखते हुए कहे और उनसे सीखा है। आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस बात का प्रयास कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने पिछले काफ़ी दिनों से शुरू कर रखा था कि ये लोग एक होकर के हरियाणा प्रदेश में काम करें, जींद का उपचुनाव था उस समय से ये प्रयास चल रहा था, लेकिन उस समय भी ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। जब उन्होंने हरियाणा प्रदेश में बस यात्रा शुरू की उस समय भी सभी नेता एकजुट होकर के उस बस में सवार नहीं हो पाए, और अब जब ये टिकटों का बंटवारा कांग्रेस पार्टी में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिन पहले अपने 8 सीटों की सूची जारी कर दी थी, 2 की बहुत जल्दी करने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी इतने लंबे इंतज़ार के बाद भी केवल 6 सीटें कर पाई है घोषित, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की अगर सीटों की बात करें उसमें से जो फरीदाबाद की सीट ललित नागर को दी गई है, यह सीट मुझे लगता है ये रॉबर्ट वाड्रा को गिफ्ट में दी गई है, क्योंकि ललित नागर के भाई महेश नागर जितने भी जमीनों के सौदे रॉबर्ट वाड्रा के हुए हैं उसमें साझेदार है, जितने घोटाले इनके माध्यम से हुए उसमें भी साझेदार है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में टिकटों का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से कांग्रेस इस प्रकार के टिकट वितरण के आधार पर सीटें जीतने का दावा कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन ने अपने मुख्यमंत्री को हिटलर की संज्ञा दी, जनरल डायर देखिए वाला बाग में जो देखिए ये लोग सब मर्यादाएं भूल चुके हैं। ये लोग हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनके बीच में घुस करके उनको बरगला करके उनके कंधे पे रख करके बंदूक को चलाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट और कोई राजनीति में हो नहीं सकती। और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं मुझे लगता है इससे बड़ी बौखलाहट हो नहीं सकती, इनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो पूरी तरह से निंदनीय है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन क्या उनकी वो रहेगी? देखिए जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने तो कोशिश की थी भी कांग्रेस पार्टी के साथ भी इनका गठबंधन हो, और जैसे मैंने कहा कि सरेआम इन लोगों ने स्टेटमेंट दी अगर तीनों पार्टियां इकट्ठी नहीं आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत जाएगी। इनके गठबंधन की अगर बात करें, नई नई पार्टी अलग हुई थी INLD से JJP, लोग बड़ा उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि नौजवान नेता उभर करके आया है, अपने परिवार के साये से अलग होकर के कुछ कर गुजारने की क्षमता उसमें लोग देख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और ये दोनों मिलकर के जींद के उपचुनाव में गए थे, अपनी पार्टी से अपने परिवार से इन्होंने कैंडिडेट उतारा था, किस प्रकार की गति
उस चुनाव में इन दोनों पार्टियों की हुई सब लोग जानते हैं। अपने परिवार का कैंडिडेट उतारने के बाद भी इतनी बुरी तरह से हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सीट छीनने का काम किया, तो जैसा हाल इनका जींद के उपचुनाव में हुआ था, इससे भी बुरा हाल लोकसभा के चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश में होगा। इनको ढूंढे से भी उम्मीदवार इनको मिल नहीं रहे हैं। इस प्रकार के हालात इस गठबंधन के हैं।